सवाल नंबर एक, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब राज्य, बी उत्तर प्रदेश राज्य, सी महाराष्ट्र राज्य, डी मध्य प्रदेश राज्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी महाराष्ट्र राज्य। सवाल नंबर दो, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए इलाहाबाद शहर से, बी जयपुर शहर से, सी कोलकाता शहर से, डी अहमदाबाद शहर से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इलाहाबाद शहर से। सवाल नंबर तीन, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब राज्य की सीमा, बी जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा, सी गुजरात राज्य की सीमा, डी राजस्थान राज्य की सीमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी राजस्थान राज्य की सीमा। सवाल नंबर चार, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम राज्य में, बी उत्तराखंड राज्य में, सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, या डी मणिपुर राज्य में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सिक्किम राज्य में। सवाल नंबर पाँच, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? आपका ऑप्शन है ए 22%, बी 17.5%, सी 18.9%, डी 20%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 17.5%। सवाल नंबर छह, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? आपका ऑप्शन है ए पंजाब राज्य में, बी तमिलनाडु राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, या डी हरियाणा राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश राज्य में। सवाल नंबर सात, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश राज्य, बी गुजरात राज्य, सी मध्य प्रदेश राज्य, डी असम राज्य। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गुजरात राज्य। सवाल नंबर आठ, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश राज्य में, बी राजस्थान राज्य में, सी गुजरात राज्य में, डी महाराष्ट्र राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मध्य प्रदेश राज्य में। सवाल नंबर नौ, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी गंगा नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी महानदी। सवाल नंबर दस, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गोविंद सागर झील, बी सांभर झील, सी चिल्का झील, डी बुलर झील। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चिल्का झील। सवाल नंबर 11, हिमाचल के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? आपका ऑप्शन है ए किन्नौर जिले के साथ, बी चंबा जिले के साथ, सी कुल्लू जिले के साथ, डी सिरमौर जिले के साथ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए किन्नौर जिले के साथ। सवाल नंबर 12,
किस देश में 30 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी होता है? आपका ऑप्शन है ए चीन देश में, बी लवनाम के देश में, सी मोनो देश में, या डी कनाडा देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लवनाम के देश में। सवाल नंबर 13, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी के किनारे, बी सतलुज नदी के किनारे, सी महानदी के किनारे, डी गोदावरी नदी के किनारे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गोदावरी नदी के किनारे। सवाल नंबर 14, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस बड़े नेता का निधन हुआ था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी जी का, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, सी जवाहरलाल नेहरू जी का, डी लाल बहादुर शास्त्री जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए महात्मा गांधी जी का। सवाल नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1814 ईस्वी में, बी 1896 ईस्वी में, सी 1934 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1934 ईस्वी में।